कांग्रेस पार्टी ने निर्णय नहीं लिया, प्रधानमंत्री ने निर्णय नहीं लिया, गोवा से पूछा आपका प्रदेश है आप क्या चाहते हो, और आपने निर्णय लिया कि आप अलग रहना चाहते हो, और जो आपने ओपिनियन पोल में बोला वही कानून बना। तो मैं सबसे पहले आपको एक आश्वासन देना चाहता हूं, और सिर्फ मैं नहीं, स्टेज पे हमारे सब नेता जो बैठे हैं, हम सब मिलकर आपको यह आश्वासन देना चाहते हैं, गोवा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो गोवा की सरकार होगी, कांग्रेस पार्टी की नहीं, गोवा की जनता की सरकार होगी। हमारा काम जो आप चाहते हो, अपने प्रदेश के भविष्य के लिए जो आप चाहते हो उसको करना हमारा काम, और अगर हम सचमुच में आपकी सेवा करना चाहते हैं तो यह काम बिना आपसे बात किए, बिना डिस्कशन के, बिना चर्चा के नहीं हो सकता है। कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी सेड दैट कांग्रेस विल नॉट अलाउ द बीजेपी टू मेक गोवा अ कोल हब एज गोवा इज नोन फॉर इट्स टूरिज्म एक्टिविटीज। हजारों लोगों को टूरिज्म से आमदनी मिलती है, तो या टूरिज्म होगा या फिर पोल्यूशन होगा, दोनों चीजें नहीं हो सकती, या टूरिस्ट हब बनेगा या फिर कोयले का हब बनेगा। अगर आप गोवा को कोयले का हब बना दोगे, कोयले का सेंटर बना दोगे, जिससे गोवा को कोई फायदा नहीं हो रहा, तो फिर जो टूरिस्ट यहां आते हैं वो कहेंगे भैया, हाथ जोड़ के कहेंगे भैया हम कहीं और चले जाते हैं, हमें कोयला नहीं अच्छा लगता, हमें कोयले के हवा में सांस नहीं लेनी, चले जाएं। तो हम गोवा को कोयला का हब, कोल हब नहीं बनने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। टूरिज्म में अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, हम उन सब से बात करके, चाहे वो छोटे बिजनेस वाले हों, चाहे वो शैक चलाने वाले हों, चाहे वो होटल ओनर्स हों, चाहे वो स्कूटर चलाने वाले लोग हों, चाहे वो टैक्सी चलाने वाले लोग हों, हम सब से बात कर निर्णय लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम।